कहूंगी जो उन्होंने कहा सरासर गलत है। जो उन्होंने जितनी भी कश्मीर से लेकर वो बिल्कुल ही निंदनीय है, और जम्मू और कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है, और कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। पर साथ ही साथ सवाल ये उठा कि 2010 का ये मामला है, 10 साल से केंद्रीय सरकार मोदी जी की है, वही मोदी जी वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं पाकिस्तान को 56 इंच सीना दिखाएंगे, लाल लाल लाश दिखाएंगे, वो आज तक इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों थे? 10 साल के बाद जब तीसरी सरकार बनी है, कम मेजोरिटी की सरकार बनी है, वो इस पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये डिसीजन है, ना कि एक सही डिसीजन जो देश के लिए है। पर जो भी मैं कहूँगी फिर से दोहराऊंगी कि कश्मीर को अलग हिस्सा बनाना बताना बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं उसके बारे में मैं कहती हूँ कि मैं उसको प्रोटेस्ट करती हूँ, आई एम आउटरेज, पर वो बात 2010 की कही हुई है, उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे और बदलाव आए हैं। ये बात है कि आतंकी हमलों में किसी तरीके से कमी नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेकर पाकिस्तान से ये प्रायोजित जो टेररिस्ट हैं उनको नीचे से रखें।